राष्ट्रीय एकता मंच राजकोट द्वारा गत तारीख 10 जून ना रोज धोळकिया स्कूल ऑडिटोरियम खाते एक भारत श्रेष्ठ भारत ना विषय पर विचार गोष्ठी नु आयोजन करवामां आव्युं हतुं। आ गोष्ठी ना मुख्य वक्ता तरीके सुप्रीम कोर्ट ना एडवोकेट अश्विनी कुमार उपाध्याय हाजर रहा हता। अश्विनी कुमार उपाध्याय भारतीय उच्चतम न्यायालय में अधिवक्ता छे अने पीआईएल मैन ऑफ इंडिया तरीके तेमने ओळखवामां आव्या छे। तेमणे 150 થી વધુ જાહેરહિતની અરજીઓના માધ્યમથી ભારતીય સમાજ માટે મહત્વની કાયદાકીય સાંસ્કૃતિક અને ધાર્મિક બાબતોમાં સીમાચિહ્નરૂપ ન્યાયિક આદેશો પ્રાપ્ત કર્યા છે। ઉક્ત કાર્યક્રમમાં રાજકોટના 225 જેટલા નામાંકિત પ્રબુદ્ધજનો તથા અધિવક્તાઓ હાજર રહ્યા હતા। રાજકોટ મેં રાષ્ટ્રીય એકતા મંચને એક બહુ હી અચ્છા કાર્યક્રમ કા આયોજન કિયા હૈ જિસમેં હમ भारतीय परंपरा, भारतीय ज्ञान विज्ञान, भारतीय जीवन शैली, भारतीय न्यायिक व्यवस्था और जो हमारा समाज किस तरीके से था और अभी समाज के सामने जो खतरे हैं उस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। हमारा ये कहना है ऐसी कोई बीमारी नहीं जिसका कोई इलाज नहीं, हर समस्या का समाधान हो सकता है। दुर्भाग्यवश पिछले 75 सालों में समस्या पर चर्चा हुई, मूल कारण स्थायी समाधान पर चर्चा नहीं हुई। तो इसलिए मैं आज राजकोट की जनता को धन्यवाद देता हूँ, आपने एक अच्छा कार्यक्रम किया है, आप सुनने आए हैं और एक राजकोट से आज एक नई क्रांति की शुरुआत होगी जो पूरे देश में जाएगी। मेरा ये मैसेज है नेशन फर्स्ट, सबसे पहले राष्ट्र को रखिए। राष्ट्र रहेगा समाज रहेगा, समाज रहेगा तो आपका कुटुंब भी रहेगा। आज की डेट में हमारे सनातन संस्कृति बहुत बड़ा खतरा है, राजकोट में भी वो खतरा दिख रहा है, घुसपैठ है, धर्मांतरण है, सब कुछ चल रहा है। इसलिए उसको तभी रुक सकता है जब हमारी कानून व्यवस्था अच्छी हो, न्यायिक व्यवस्था अच्छी हो। धर्मांतरण है, घुसपैठ है, जनसंख्या विस्फोट है, लैंड जिहाद है, लव जिहाद है, अनेक तरीके के जिहाद भारत में चल रहे हैं।